उनकी सरकार है, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट में उनके लोग बैठे, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज तो जो जितना है उतना भी सोया पड़ा है। ये मानसिक गुलाम है जिसके दिमाग में गोबर भर दिया जाता है ना, तो उसको गोबर की ही भाषा समझ आती है। छाछ पी के पड़े हुए हैं, ये कुत्ते वाली छाछ पी रखी है इन्होंने, पूरा समाज लुढ़का पड़ा है एकदम। इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मरे गिरे कुछ नहीं है। जब इनके गले पर तलवार लटकेगी ना, तब इनको नजर आएगा कि हाँ मेरे साथ हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ भैया, कल कटना सबको है, मनुवाद की शेष सजीव, कटना सबको है, आज नंबर मेरा कल तेरा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक एक करके मारे जाओगे और टुकड़े टुकड़े गैंग इसीलिए किया जा रहा है तुम्हें। समाज के लोगों, अगर कुछ जिंदा है तुम्हारा जमीर, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ दम है, या तुम अगर जिंदा हो तो उस बेटी की मदद के लिए आओ। और ललकार भी रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर इस बेटी को अगर कुछ आज हो गया ना, तो तुम्हारी पुश्तें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान कर लेना, अब समय आ गया है जूते का जवाब जूते से देना होगा, चांटे का जवाब चांटे से देना होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं डीयू के 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर, जहां डॉक्टर रितु का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार तीसरा दिन है आज, और वो लगातार अपनी बातों को रख रही हैं, बहुजनों के हक अधिकार की बातों को रख रही हैं, और उनके सपोर्ट में जो है तमाम लोग आ रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है एसके गौतम, इनसे बात करेंगे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं 4-10 लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जनहित आवाज़ के माध्यम से मैं लोगों को बता दूं कि जिंदा जो लोग होते हैं और जो कार्य करने वाले होते हैं, वो 2-4-5 लोग ही होते हैं, बाकी तो गधों की भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी होती है। हाँ, जो समझदार व्यक्ति होंगे, देखिए जो प्रेजेंट में जो अपना अपना काम कर रहे हैं वो लोग जागरूक हैं, और जो जागरूक नहीं होता तो उस आदमी को ना तो किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। जब जिस इंसान ने अपना घर चलाने का पता नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे समाज को चला लेगा? जिस व्यक्ति ने अपना घर नहीं चलाया, तो वो समाज को कैसे चला लेगा? अब इस बेटी के फादर नहीं है, बेटियाँ जॉब पर लगी सस्पेंड हो गई, भाई उसके है नहीं, तो कितनी कठिन समस्या उसके सामने है। अब वो समाज से गुहार लगा रही है कि समाज मेरा आए और मेरी सपोर्ट करें, तो मैं तो इससे तो बढ़िया, जो समाज में एक ही व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं महमूद प्राचा जी, वो उसके साथ में जब इसे लगे हुए हैं बिटिया के, और उन्होंने केस भी रिट फाइल कर रखा है उसका, तो वो फाइट भी कर रहे हैं कोर्ट से भी। तो अब समाज से अगर उन्होंने गुहार लगाई है कि समाज यहाँ आए और मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रही हूँ यहाँ पर, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके बीच से अगर ऐसे प्रोफेसर और टीचर और लेक्चरारों को अगर समाप्त कर दिया जाएगा, तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के कोई भी टीचर आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये ध्यान रखना, कुछ हमारे टीचर हैं जो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों को और वो पढ़ाते हैं। तो इसलिए मेरा समाज से, मैं अपने ही समाज को कह सकता हूँ, मैं दूसरे को नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो दूसरे वाला समाज है उसको मैं क्यों कहूँ भाई? वो अपना काम अपने हिस्से का वो काम कर रहे हैं। मेरा घर है, मेरा घर, मैं अगर कमाऊँगा तो मेरा घर चलेगा, अगर मैं अपना कमाऊँगा नहीं और मेरे जो परिवार वाले दूसरे को उल्टा कहेंगे, तो उसमें गलती उनकी थोड़ी, गलती तो मेरी है ना कि मैं अपना घर नहीं चला रहा। तो जो वो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी सरकार है, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट में उनके लोग बैठे, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज तो जो जितना है उतना भी सोया पड़ा है, ये तो काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल आलसी हो गया है। जैसे वो कुत्ता छाछ पी करके उसको जो है उदासी आ जाती है, तो इस तरीके से ये समाज जो है जैसे कुत्ता छाछ पी कर पड़ जाता है, ये भी छाछ पी कर पड़ गया है। इससे AC, BB, TV नहीं छूट रहे इससे, क्योंकि ये समाज आना ही नहीं चाहता कि समाज के किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बेटी को अधिकार मिल जाए। ये अधिकार के समाज है जो लाखों की संख्या में बागेश्वर बाबा के दरबार में जाता है भविष्यवाणी सुनने, अपनी बातें सुनने, लेकिन जस्टिस की बात आती है, जब न्याय मांगने की, हक अधिकार की बात होती है, तो नहीं आता है, गायब रहता है। बेटे, इनको कहते हैं मानसिक गुलाम। ये मानसिक गुलाम है जिसके दिमाग में गोबर भर दिया जाता है ना, तो उसको गोबर की ही भाषा समझ आती है। और इनके दिमाग में भरी रखा गोबर, कहीं भी वहाँ से गोबर ले आओ, इसको ये बना दो, कौन कौन से देवता बनाते हैं गोबर का, तो इनके दिमाग में गोबर बच चुका है, और ये गोबर को ही पूजने वाले हैं और गोबर को ही पूजते रहेंगे, इनके बस की और कुछ नहीं है। ये इंसाफ तो जब जब मिलेगा ना इनको, जब इनको इंसाफ लेना आता हो। इंसाफ कैसे लिया जाएगा? इंसाफ ऐसे लिया जाएगा, चाहे 10 आदमी बैठे हैं या 20 बैठे हैं, लेकिन उस बेटी के समर्थन में बैठे हैं। आप भी डेली आ रहे हो, मैं आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपका चैनल 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप जो रात दिन अपना उनके जो है पूरा यहाँ का जो डिबेट है सारा
हर जन जन तक पहुंचा रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और उस बेटी के लिए मैं पूरे समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, अगर कुछ जिंदा है तुम्हारा जमीर और अगर तुम्हारे अंदर कुछ दम है या तुम अगर जिंदा हो तो उस बेटी की मदद के लिए आओ, घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए, चार घंटे के लिए। सभी से निवेदन है, निवेदन भी कर रहा हूँ मैं और ललकार भी रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर अगर इस बेटी को अगर कुछ आज हो गया ना तो तुम्हारी पुश्तें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान कर लेना। प्रोफेसर है ये, इस पोस्ट पे अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं पहुँच पाता जिस पोस्ट पर वो आज है। वही मैं पूछ रही हूँ कि डॉक्टर ऋतु आज जिस पोस्ट पर हैं वहाँ पर इस समाज से बहुत कम लोग आ पाते हैं, और जब कुछ लोग आ जाते हैं बहुत संघर्ष करना पड़ता है पहले तो आने के लिए, और जब आ जाते हैं तो इन्हें किसी न किसी वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, जानबूझकर इन्हें हटा दिया जाता है, कोई बहाना लगाकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। बेटे आपको मैं बता दूं कि जो हमारे एक दो प्रोफेसर अगर इस तरीके के निकलते हैं जैसे डॉक्टर रतनलाल हैं और डॉक्टर रितु है, पर इस तरीके के अगर प्रोफेसर हमारे आते हैं तो इन प्रोफेसरों को इसीलिए सस्पेंड किया जाता है कि अपने समाज के बच्चों को पढ़ा करके और प्रोफेसर ना बना दें। यहाँ दिक्कत आती है कि ये अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे तो प्रोफेसर जब एक प्रोफेसर हो तो एक से पढ़ जाएगा तो दस को पढ़ा देगा। तो ये वहाँ रुकावट है, ये पूरा मिशनरी सिस्टम है इनका कि ये रोकते हैं कि भाई यहाँ से इनको रोको तो आगे जा करके इनके बच्चे पढ़ ना पाएँ। तो ये रुकावट है। एक हमारे बेड़ियाँ, जो बेड़ियाँ डालते थे ना पहले, तो बेड़ियाँ डालने का सिस्टम है ये कि बेड़ियाँ ऐसे नहीं तो ऐसे डालो कि इनको स्कूल कॉलेज में ही मत जाने दो, ये अनपढ़ रहेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। इसी बात का दुख जताया जाता है, और जो डॉक्टर रितु है वो लगातार कहती हैं कि हमारा समाज तो पहले दिन नहीं आता है, 13वीं पैर आता है, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो अभी आ जाओ, वरना फोटो में देखना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस समाज को लाशें उठाने की आदत पड़ गई है, ये जो समाज है इसको लाशें उठाने की आदत पड़ गई है, और ये लाशें उठाने में ना इतना बिजी हो गया है कि इसको इंसाफ नज़र नहीं आता, इसको लाशें उठानी मंजूर है। जैसे जो भी अभी मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, जब भी उस बेटी को रात को जला दिया, तो अगर पहले से अगर जागरूक हो जाते तो ऐसा नहीं होता उस बेटी के साथ। और भी हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं कांड। भाई जो आदमी, आप एक चीज़ बताइए, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ रोड पर से अगर कोई जा रहा है और उस व्यक्ति को अगर एक को मारना शुरू कर दे, क्या अपने समाज के कुछ दो चार लोग भी ऐसे नहीं होते कि मतलब एक एक आदमी को चार चार पाँच पाँच मारते हैं, तो वो एक उसके उनका सामना नहीं कर सकते? तो ये तो मैं कह रहा हूँ नालायक है ये, इनको समझ ही नहीं आता कि कहीं कोई पिट रहा है एक आदमी वहाँ पर देख रहे हैं। भाई किस वजह से देख रहे हो भैया, पूछ तो लो कि कौन है या किस वजह से मार रहा है, भाई क्या बात है, पूछना जरूरी पड़ता है ना। इसी को तो इंसानियत, महिला को मारी गई उसी की बात कर रहे शायद आप, बीच रोड पर उसको लिटा कर लात जूतों से मारा गया, लेकिन मीडिया में उसकी चर्चा नहीं है। मीडिया में चर्चा नहीं हुई, वहाँ जो लोग थे उन्होंने तो पूछना चाहिए ना, भाई क्यों मार रहे हो। तो मार, जब किसी व्यक्ति को मार रहा है कोई, चार आदमी या तीन आदमी पांच आदमी मिल करके मार रहे हैं, चाहे महिला को मार रहे हैं, बेटी को मार रहे हैं, या किसी बेटे को मार रहे हैं, किसी भाई को मार रहे हैं हमारे को, तो आपको क्या इतनी आंखों पर पट्टी लग जाती है कि तुम्हें ये नज़र नहीं आता कि ये कौन है, क्यों मार रहे हैं? भाई पूछ तो सकते ना, मतलब वो चार हैं तो आप तीन भी नहीं हो, आप चार नहीं हो सकते, पाँच आठ भी हो सकते हो, आठ होकर के पूछो भैया क्यों मार रहे हो उसको, क्या रीज़न है। अगर आपको लगता है कि वो, फिर उसको उल्टा जवाब दो। अब समय आ गया है जूते का जवाब जूते से देना होगा, चांटे का जवाब चांटे से देना होगा। कलम की ताकत तो हमारी बात की है, वहाँ पिट करके, वहाँ जो पिट रहे हो ना वो पिटने से अच्छा है कि उनको जवाब दो। एक सवाल उनके लिए पूछूंगी जो कह रहे हैं कि चार दस लोग हैं असर नहीं होगा, तो उसका जवाब आप देंगे कि यहाँ पर हमने देखा एवीबीपी के लोग जो हैं घूम रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, तो क्या अब जो है सिंहासन हिलने लग गया है, प्रदर्शन का असर होता हुआ दिख रहा है? नहीं, वो तो देखो असर तो आएगा, असर सरकार पर भी आता है। ये तो आठ दस आदमी बैठे तो यहाँ पे, अगर विदेश में तो ऐसा ही, अगर कोई व्यक्ति काली पट्टी बांध करके अगर बैठ जाए ना तो सरकार हिलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पूछने लग जाते हैं एक ही आदमी से, तो यहाँ तो सरकार, उनके लिए जवाब है जो कह रहे कुछ नहीं होगा, किन के लिए जो कह रहे पाँच दस लोग हैं कुछ होने वाला नहीं है, मजाक बना रहे हैं जो प्रदर्शन का, ये उनके लिए जवाब है। एक आदमी, मैं कह रहा हूँ विदेश के अंदर एक आदमी काली पट्टी बांध के बैठ जाए ना तो वो सरकार हिला देता है, ये तो दस आदमी, ये क्या कम समझ रहे हैं क्या कि कुछ नहीं होगा? ये बहुजन समाज है, जब आएगा तो 2 अप्रैल 2018 जैसा तांडव दिखा दिया जाएगा। ये वो समाज है कि अगर पूरे जब से आज़ादी के इतिहास से, मुगलों के समय से और अंग्रेज़ों के समय से लेकर के 2 अप्रैल
2018 पहली बार भारत में हुआ, भारत बंद ऐसा होता है, करके दिखाया है, ये वो समाज है। तो इनको क्या है, ये तो एक दो जैसे बावड़ बिल्ले जो होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, इनसे का फर्क पड़ रहा है। आज के इंटरव्यू में तमाम लोगों से मैंने बात की और सब में एक चीज जो है कॉमन नोटिस किया कि दुख सब में है, सबके अंदर थोड़ा सा नाराजगी, गुस्सा, दुख है कि हमें जो हमारा समाज है वो जग नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ट्विटर पर हैशटैग चलाते हैं, आके हमें सपोर्ट नहीं करते। देखो बेटे, गुस्सा तो इसलिए आता है कि बाबा साहेब को साहु जी गायकवाड़ साहब ने जब रिजर्वेशन दिया तो उस रिजर्वेशन से जब बाबा साहब पढ़ गए तो उस रिजर्वेशन को वापसी किया, पूरे समाज ने रिजर्वेशन लिया। अब आज जो लोग रिजर्वेशन में पढ़ के रिजर्वेशन से नौकरी लेकर के एससी कोटे में नौकरी करते हैं, रिजर्वेशन से ले रहे नौकरी और रिजर्वेशन को खा करके मतलब अपने बच्चों में, बीवी में, टीवी में मस्त हो जाते हैं और उनको समाज नज़र नहीं आता। तो यहाँ दुख होता है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन खा लिया, जो खा के बैठे हैं वो तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, और जिन लोगों ने रिजर्वेशन का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लिया है वो लोग यहाँ इस बेटी के साथ खड़े हैं। आज यहाँ पर देख लो एक भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है, अभी तक एक दो होंगे, वकील भी दो तीन चार आए थे कल, एक वकील हैं जो महमूद प्राचा जी जो साथ लगे हुए हैं, वो परमानेंट लगे हुए हैं, तो वो शुरू से ही उन्होंने केस फाइल भी किया है, वो इस वजह से भी लगे हुए हैं। और दूसरे एक ही वकील यहाँ पे, क्या वकील ही नहीं हमारे समाज के अंदर, अगर सारे वकील यहाँ पर आकर के अगर इकट्ठे हो जाएँ, एक दिन ही इकट्ठे हो जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे विश्वविद्यालय का प्रशासन हिल जाएगा, सरकार तक हिल जाएगी कि इतने वकील कहाँ से आ गए। एक दिन तो आ जाओ खाली, एक दिन में पता लग जाएगा, लेकिन आने को कोई तैयार हो तब ना। कम से कम इनको तो छाछ पी के पड़े हुए हैं, ये कुत्ते वाली छाछ पी रखी है इन्होंने, पूरा समाज लुढ़का पड़ा एकदम, इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मरे गिरे कुछ नहीं है। जब इनके गले पर तलवार लटकेगी ना तब इनको नज़र आएगा कि हाँ मेरे साथ हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ भैया, कल कटना सबको है, मनुवाद की शेष सजीव है, कटना सबको है, आज नंबर मेरा कल तेरा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक एक करके मारे जाओगे और टुकड़े टुकड़े गैंग इसीलिए किया जा रहा है तुम्हें कि पहले इनको मारो, पहले मुस्लिम मारो, फिर जाट मारो, सरदार मारो और चमार मारो, चूड़े मारो, ये कहानी चल रही है सरकार के अंदर। तो इस चीज़ से जाहिर तौर पर गुस्सा हर किसी के अंदर एक दुख आप देख पा रहे होंगे जो एकजुटता ना होने के कारण दिखाई दे रही है। जब बागेश्वर बाबा के धाम जाना हो तो पूरी बड़ी संख्या में लोग उठकर जाते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन जब न्याय और हक अधिकार की बात की जा रही है तब संख्या इतनी नहीं हो पा रही है। और इसी बात का जो है सभी लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।